बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबर। शाम होने वाली है तो गर्मी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। आज हम अपनी दुम्बी को अपने खेतों में लेकर जाएंगे, इसको अपना डेरा दिखाएंगे, इसको घास खिलाएंगे और इसके लिए ना इसके लिए स्पेशल घास भी लेकर आएंगे। मैंने दात्री ले ली है। कैसे जल्दी चलो, जल्दी चलते हैं। अभी पहला दिन है ना, हम दो तीन दिन इसको हाथ में पकड़ के डेरे लेकर जाएंगे ना, या फिर खुद ब खुद चल जाएगी वहां हमारे मगर मगर। मेरा दोस्त यहाँ बकरियां चरा रहा है, मेरा दुम्बा बाग करा कर इनके पास आ गया है। मेरे दोस्त की बकरियां ना इसको मारती हैं, इसलिए हम इसको अपने खेत में लेकर जाने लगे। ये इसी खेत में घास खाने लग गई है। हमारी खेत ना काफी ज्यादा दूर है, इसको यही चढ़ने देते हैं और मैं भाग कर जाकर ना वो ले आता हूँ। उसका नाम क्या है, चारा। ये हमने चारा लगाया हुआ है, यहाँ से हम भैंसों के लिए चारा लेकर जाते हैं। वो जो दरख्त नजर आ रहा है ना, वहाँ भाई से दुम्बा चढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं हूँ दुम्बे के लिए चारा लेने। चढ़ी के एंड में ना हमने टक लगाया हुआ है, वहां से जाकर चारा वाड़ता हूँ। ये देखें, ये टक लगा हुआ है। अभी यहाँ से जरा चारा काटता हूँ। हमने ऊपर से काटना क्योंकि दुम्बा नीचे से नहीं खाता। चारा मैंने काट लिया, एक शायद भूल गया हूँ, लेकर किस में जाऊंगा। अब शर्ट उतारता, शर्ट में ले जाता हूँ। चारा मैंने शर्ट में डाल लिया, अभी जल्दी से लेकर चलते हैं। रास्ते में कोई चीज ना मिल जाए, मुझे उठा कर ले जाएगी। सूरज भी ग्रूब हो गया, शाम हो गई है, अभी जल्दी से चलता हूँ। भाई देव दुम्बा लेकर घर जाने लगे हैं, तो मैं भी भाई देव के साथ आ गया हूँ। दादरी किधर है? वही आ गई है, सच में दादरी वही आ गई है। ये देख ले भैया, भाई दुम्बा ले आएंगे आज। ठीक है, देखे दुम्बा चारा खा रहे हैं, बाकी घर जाके खिलाते हैं। चलो चलो कर लो ये तो। ओए ओए, हमने अपने दुम्बे की रस्सी इसके ऊपर फेंक दी है, ये हमारे पीछे पीछे आ जाता है। ये देखिए, ये हमारे साथ ही रहेगा, अभी कहीं नहीं जाएगा। मैं भी कहूँ क्यों आ रहा, चारे के लिए आ रहा है। नहीं जा रहे, मैं जा रही, मैंने नहीं खाना। मैं गई, इधर को कहाँ कहाँ रहे। घर हम लोग पहुंच गए हैं, आज हम लोग छत पर लेके चलते हैं। चलो छत पे। नहीं चल रहा है।
हम अब अपने दो के सेटअप में दुम्बे को ले आए हैं, अभी दुम्बा भी यहाँ रहेगा। दुम्बा हमारे कुत्ते से डरता है और किसी से नहीं डरता। मान लगे कबूतर भी हैरान हो गया, इतना बड़ा परिंदा कौन सा आ गया। ये ज्यादा हैरान हो रही है, ये कबूतर है। ये कबूतर है। दुम्बा भी कह रहा मुझे ले, कहाँ पे आए। दुम्बा कह रहा है इतने छोटे जानवर और परिंदे कह रहे हैं इतना बड़ा परिंदा। अंडे अंडे दूसरी कबूतरी नीचे रखे हुए हैं। हाँ। इसे खोलो जरा। वाह, ये जो अंडे है ना इस कबूतरी के नीचे, ये वाले अंडे इस कबूतरी ने दिए हैं, और इसका जो कबूतर था ना हमने पकड़ा था किसी का, वो लोग अपना कबूतर ले गए हैं, तो ये अकेले थी तो ये अंडे ऊपर नहीं थी बैठती, तो इसके अंडे ऊपर आज ये कबूतरी बैठ गई है। अंडे मैं सोच रहा था फेंकने पड़ेंगे। नहीं, फिर हाँ फिर तो निकला, वो बैठ गई है। अब मैं अपने देसी मुर्गू को लेकर जाने लगा हूँ। सब लोग कमेंट करके बताना आपको हमारा दुम्बा कैसा लगता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।